हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ओवरटेक में स्वागत है। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है, लेकिन आप सभी के लिए बहुत बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से काफ़ी सारी भर्तियों के एग्जाम होने बाकी है, लेकिन उसी बीच आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर रेलवे ने एक सूचना जारी की गई है और रेलवे द्वारा इस सूचना में साफ साफ बता दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप भी रेलवे की ग्रुप डी, NTPC और भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी का जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको हमको सबको पता है कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और इसी बीच रेलवे ने एक सूचना जारी कर दी है और आपको बता दें, काफ़ी भारी नुकसान यहाँ पर हो रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, हम सभी अभी लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में हैं और यहां पर अपनी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं काफी सारे कैंडिडेट्स, और उसी दौरान यहां पर एक बुरी खबर आई है। तो आप सभी को बताएंगे पूरी अपडेट के बारे में, लेकिन आप सभी से कहना चाहूंगा, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिएगा। आप सभी यहां पर अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखिएगा, हो सकता है आने वाले समय में आपको और भी अच्छी खुशखबरियां भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले आपको उस न्यूज की ओर लेके चलते हैं जिसका आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम सीधा न्यूज पर आ चुके हैं। यहां पर साफ साफ बताया है, रेलवे में अब नई भर्तियां नहीं होगी। जी हां दोस्तों, रेलवे ने साफ साफ क्लियर कर दिया है, अब जो भी नई भर्तियां होनी है वो नहीं होगी। बड़े शहरों में टिकट काउंटर बंद होंगे। रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, TTE कैडर का समायोजन करने की तैयारी है। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे कॉस्ट कटिंग, खर्च में कमी के ट्रैक पर चलने की तैयारी कर रहा है। योजना के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पाबंदी लगेगी। जी हां, रेलवे की जो नई भर्तियां आएगी उन पर पाबंद लगा दिया जाएगा और सरप्लस रेलवे कर्मियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। जी हां, जो भी रेलवे कर्मचारी होंगे उनको सेवानिवृत्त किया जाएगा। इसके साथ ही बड़े शहरों के टिकट काउंटर यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS को बंद किया जाएगा। रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, TTE कैडर का समायोजन किया जाएगा। मर्जिंग की जाएगी, यहां पर साफ साफ बता दिया गया है। कास्ट कटिंग पर विचार किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार लॉकडाउन से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सभी 17 जोनल रेलवे के कास्ट कटिंग पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसमें प्रमुख सुझावों में रेलवे के ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पूरे तरह से रोक लगाने का विचार किया जा रहा है। इसमें चपरासी से लेकर गैंगमैन, ट्रैकमैन, पॉइंटमैन आदि शामिल है। इसके अलावा विभिन्न रेलवे जोन से सफाई कर्मचारी, पार्सल, पोस्टल आदि सरप्लस कर्मचारियों की छटनी कर उन्हें सेवानिवृत्त करने का सुझाव दिया जा रहा है। मतलब कि आप देख सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान देश की और रेलवे की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि यहां पर नई भर्तियों पर भी रोक लगाई जा रही है। साथ ही साथ यहां पर जो कर्मचारी है ग्रुप डी के, उनको यहां पर रिटायर किया जा रहा है जल्द से जल्द। आप देख सकते हैं, यहां पर सफाई कर्मचारी, पार्सल, पोस्टल, ये सभी जो कर्मचारी है, ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, इन सबको जल्द से जल्द सेवानिवृत्त किया जा रहा है। यहां पर रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर रेलवे ने ऐसा कोई भी यहां पर अपडेट नहीं दिया है कि जो अभी यहां पर परीक्षा होनी है वो कैंसिल की जाएगी या नहीं की जाएगी। जी हां दोस्तों, अभी तक कोई भी अधिकारी सूचना नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि रेलवे के जो भी एग्जाम होने हैं ग्रुप डी के, NTPC के, वो रेलवे द्वारा संचालित किए जाएंगे। आप उनकी तैयारी कंटिन्यूस रखें। अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। यहां पर सिर्फ कास्टिंग कटिंग के पर विचार किया जा रहा है रेलवे की तरफ से, और आने वाली जो ग्रुप डी की भर्तियां हैं रेलवे की, उस पर पाबंद लगाया जाएगा रेलवे द्वारा। ये विचार चल रहा है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो है न्यूज़ पर प्रकाशित किया गया है। अभी रेलवे की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका कोई भी ऑथेंटिकेट PDF जारी नहीं किया गया। तो दोस्तों, अभी तक आप सभी को बता दें, ये सिर्फ अपडेट चल रहा है, रेलवे इस पे विचार कर रही है और इस पे काम कर रही है। तो दोस्तों, ये आपको आपके लिए बड़ी अपडेट है। आप सभी बिल्कुल टेंशन में ना ले, क्योंकि आपको बता दें, काफी सारी सोशल मीडिया वेबसाइट पर जगह-जगह ये अपडेट चल रही है कि रेलवे भर्तियों को कैंसिल कर रहा है, एग्जाम को कैंसिल कर रहा है। दोस्तों, अभी तक कोई भी एग्जाम के लिए अपडेट नहीं आया कि आपके एग्जाम कैंसिल होंगे। आप सभी से निवेदन है, अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखें, क्योंकि घर बैठे आपको मौका मिल रहा है तैयारी करने का, और अभी आपको फिर से मौका दिया जा रहा है कि हो सकता है रेलवे का जो एग्जाम है अब काफी डिले हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते और ये जो महामारी है इसके चलते एग्जाम काफी देरी से होने की संभावनाएं बताई जा रही है। लेकिन आप अपनी तैयारियों को कंटिन्यूस रखिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।